समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से सपा सांसद आजम खां और उनके बेटे को सीतापुर जेल से मुरादाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। आजम खां और उनके बेटे पर फिल्म अभिनेत्री व भाजपा नेत्री जयप्रदा के ऊपर विवादित टिप्पणी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज है। दरअसल कटघर थाना क्षेत्र में एक कॉलेज में हुए कार्यक्रम के दौरान जयप्रदा पर सांसद डॉक्टर एसटी हसन द्वारा एक विवादित टिप्पणी की गई थी, जिस पर आजम खां और उनके बेटे पर भी मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसको लेकर आजम खां पहली बार कोर्ट में पेश हुए। आजम खां को पहली बार कोर्ट में पेश होने पर अब अगली तारीख जनवरी की दे दी गई है। आजम खां की पेशी के दौरान पुलिस ने पूरे न्यायालय परिसर को छावने में तब्दील कर दिया। सुरक्षा के साथ ही कोविड-19 के नियमों का हवाला देते हुए सपा के विधायकों और नेताओं को आजम खां के पास नहीं जाने दिया गया। देखिए, इसमें तीन मामलों में आज सुनवाई थी। दो छह लेट संबंधित हैं और एक थाना कटघर से संबंधित है। अच्छा, क्या आज आपने बेल नहीं डाली? अभी आज उनको जो तलब किया गया था वो कस्टडी के लिए तलब किया गया था, तो आज उनकी कस्टडी वो कटघर वाले केस में कस्टडी हुई है 505 में। जी, कटघर वाले केस में कस्टडी हुई है और उसमें जो झिल्लेट वाले केस था उसमें उनको कॉपीज फर्निश करवाई गई और हमने डिस्चार्ज मूव किया है। तो टोटल कितने मुकदमे हैं आजम खां पर, कितनों में जमानत हो चुकी अब तक? दो केसेस में जमानत हो चुकी और तीसरे में अब हम, क्योंकि आज कस्टडी से पहले जमानत मूव नहीं कर सकते थे, तो अब कस्टडी आज हो गई है तो अब बेल मूव करेंगे। तो अगली डेट कौन सी दी है कोर्ट ने? 6 जनवरी दी है। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट।